हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके चहेते यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैंने आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही अच्छा टॉपिक लाया है, फैक्ट्रियों का आगमन। दोस्तों, भारत में जितने भी फैक्ट्रियों का आगमन हुआ था उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं और आ चुके हैं, वैसे क्वेश्चन हैं। इसलिए एक एक क्वेश्चन को देखना महत्वपूर्ण है, जरूरी है दोस्तों। हो सकता है इनमें से ही आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आने वाला एग्जाम आपको एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, एसएससी सीएचएसएल है, तो हो सकता है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि एजुकेशनल चैनल है दोस्तों, कोई टेक न्यूज का चैनल नहीं है जो आप लोग स्किप करके मेन पॉइंट को देखिएगा। यहाँ सारा का सारा मेन पॉइंट है, एक एक क्वेश्चन मेन है दोस्तों। इसलिए चलिए देर न करते हुए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है, 1613 में जहांगीर ने किसके अधीन अंग्रेजों को सूरत में व्यापारी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस एडवर्ड। दोस्तों, 1613 में जहांगीर ने थॉमस एडवर्ड के अधीन अंग्रेजों को सूरत में व्यापारी कोठी खोलने की अनुमति दी थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर कहां स्थापित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंबई। दोस्तों, अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटा करके बंबई में स्थापित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन के ऊपर है, 31 दिसंबर 1600 को किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ। दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ जो थी वो कोलकाता में, दोस्तों महारानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं, मुंबई शहर का संस्थापक कौन था? ये दोस्तों वीवीआई है और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये एग्जाम में, हो सकता है आपके एग्जाम में आ सकता है। सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए प्लीज अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो लोग पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को और पे प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, क्योंकि इस चैनल पे आपको मैथ और रीजनिंग का भी वीडियो मिलने वाला है। तो दोस्तों, मुंबई शहर का संस्थापक कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेराल्ड ओ गियार। गेराल्ड ओ गियार जो था दोस्तों, मुंबई शहर का संस्थापक था। और जॉब चर ऑप्शन बी में देख रहे हैं, जॉब चौरनाक जो कि कोलकाता शहर का संस्थापक था। आगे क्वेश्चन आएगा दोस्तों, मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर पांचवा है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो दोस्तों, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांसिस्को द अल्मेडा। दोस्तों, फ्रांसिस्को द अल्मेडा जो था वो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे। क्वेश्चन नंबर छठा देख लेते हैं, दूसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, कर्नाटक युद्ध। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1749 से 1750 तक चला था। क्वेश्चन नंबर सातवा देख लेते हैं, फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉमस स्मिथ। फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट थे टॉमस स्मिथ। क्वेश्चन नंबर आठवां है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको वीवीआई जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। 1602 में किया गया था डच कंपनी का गठन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नौवा है दोस्तों, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का क्या नाम था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन यानी लाल ड्रैगन था दोस्तों। ड्रैगन जो है चाइना का नेशनल एनिमल है दोस्तों, ड्रैगन। तो रेड ड्रैगन जो था दोस्तों, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दसवां देख लेते हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध
किस संधि के तहत समाप्त हुए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस। पेरिस की संधि के तहत समाप्त हुआ था तीसरा कर्नाटक युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1731 में किया गया था दोस्तों स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, 1510 ईस्वी में गोवा को किसने जीता? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूसुफ आदिल शाह। दोस्तों यूसुफ आदिल शाह ने गोवा को जीता था 1510 ईस्वी में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 1510 ईस्वी में गोवा को जीता था यूसुफ आदिल शाह ने। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, पुर्तगालियों ने किन्हें मुंबई दहेज के रूप में प्रदान किया? दोस्तों पुर्तगालियों की बेटी का शादी हुआ था मुंबई के राजा के साथ और पुर्तगालियों ने मुंबई को दहेज में दे दिया था उस राजा को। तो कौन सा राजा था दोस्तों? तो पुर्तगाली जिन्हें मुंबई दहेज में दिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया था पुर्तगाली ने अपने मुंबई शहर को। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में शुरू में आने वाले एवं सबसे बाद जाने वाले यूरोपीय कंपनी कौन थी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी दोस्तों, पुर्तगाली। पुर्तगाली जो था दोस्तों सबसे शुरू में आया और सबसे बाद में गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ? तो दोस्तों तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था पेरिस की संधि। अब आ गया क्वेश्चन की प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, ए ला सापल की संधि। दोस्तों ए ला सापल की संधि के तहत समाप्त हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, कोलकाता नगर की स्थापना किसने की थी? मैंने आपको पहला क्वेश्चन में बताया था कि कोलकाता शहर की स्थापना किसने किया था और मुंबई शहर की स्थापना किसने किया था। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज चार्नॉक। दोस्तों जॉर्ज चार्नॉक जो है कोलकाता शहर की स्थापना किए थे और गेराल्ड उंगियार जो है वो मुंबई शहर की स्थापना किए थे। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्वप्रथम भारत में किसने औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डच। दोस्तों डच ने सर्वप्रथम भारत में औद्योगिक वेतन भोगी रखे थे। क्वेश्चन नंबर 18 है, डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी कहां स्थापित हुई थी? तो डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुलिकट में स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं दोस्तों, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज। दोस्तों आप कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों, यह है आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है और यह फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी सूरत में किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रैंक कैरो। दोस्तों फ्रैंक कैरो के द्वारा स्थापित किया गया था फ्रांसीसी का प्रथम कोठी सूरत में। दोस्तों अगर आप लोग को इस वीडियो का क्यूज खेलना है, जीके जीएस का क्यूज खेलना है, करंट अफेयर्स का क्यूज खेलना है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जाकर के आप गौतम स्टडी अड्डा लिखिएगा, मेरा चैनल आ जाएगा, वहां जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। एवरीडे जीके जीएस करंट अफेयर्स का क्यूज होता है, जो मैं वीडियो डालता हूं उसका क्यूज करवा देता हूं इवनिंग में, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, आपको याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थॉमस स्मिथ। दोस्तों थॉमस स्मिथ को सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, थॉमस स्मिथ को। क्वेश्चन नंबर 22 है,
भारत आने वाले पहले डच यात्री कौन थे? तो दोस्तों भारत आने वाले पहले डच यात्री कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्नोलियन हाउ टू मैन। कार्नोलियन हाउ टू मैन जो थे दोस्तों, ये भारत आने वाले पहले डच यात्री थे, कार्नेलियन हाउ टू मैन। क्वेश्चन नंबर 23वां देख लेते हैं दोस्तों, प्रथम कर्नाटक युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों प्रथम कर्नाटक युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1746 ईस्वी को प्रथम कर्नाटक युद्ध का शुरुआत हुआ था दोस्तों, और इसका समाप्त हुआ था किसके तहत? तो हुआ था ए ला सापल संधि के तहत। क्वेश्चन नंबर 24वां है, वांडी वांस की लड़ाई कब हुई थी? वीवीआई है दोस्तों, वीवीआई है, वांडी वांस की लड़ाई कब हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1760 ईस्वी में वांडी वांस की लड़ाई हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25वां दोस्तों, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों क्या है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आप लोग जानते होंगे दोस्तों 1764 में हुआ था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन। क्वेश्चन नंबर 26 है, बंगाल के शासक शाह सुजा 1661 में अंग्रेजों को छूट की अनुमति दी थी, जिसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बंगाल के शासक थे शाह सुजा, जिन्होंने 1661 ईस्वी में अंग्रेजों को छूट की अनुमति दी थी, उस छूट को क्या कहा जाता था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निशान। दोस्तों उस छूट को निशान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 27वां देख लेते हैं दोस्तों, देखिए आपके सामने आ गया, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोलकाता में दोस्तों, पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता में फोर्ट विलियम स्थित है, और फोर्ट सेंट जॉर्ज तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों, जो कि ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 28वां है, सर टॉमस रो किसके दरबार में आए थे? बीबीआई, बीबीआई इसको कहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, हजार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, सर टॉमस रो किसके दरबार में आए थे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, जहांगीर के दरबार में आए थे, और ये क्वेश्चन रिपीट होते ही रहेगा दोस्तों, जहांगीर के दरबार में आए थे सर टॉमस रो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29वां है दोस्तों, मद्रास को पट्टे पर चंद्रगिरी के राजा से किसने लिया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी डे। दोस्तों फ्रांसीसी डे ने मद्रास को पट्टे पर चंद्रगिरी के राजा से लिया था, फ्रांसीसी डे। चलिए आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, आज मैंने 30 ही क्वेश्चन लाए हैं कंपनियों के आगमन से संबंधित। सूबेदार शेरखान लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव किसने लिया था? तो दोस्तों क्वेश्चन है कि सूबेदार शेरखान लोधी से पुदुचेरी नामक गांव किसने किसने लिया था? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन 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 डी, फ्रैंक विश्व मार्टिन। दोस्तों फ्रैंक विश्व मार्टिन ने लिया था सूबेदार शेर खान लोधी से पुदुचेरी नामक एक गांव को। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा मेरे वीडियो को। मेरे चैनल को ग्रो करने में आप ही लोग हेल्प कर सकते हैं, आपके सिवा कोई हेल्प नहीं कर सकता दोस्तों। आप ही लोग किसी और के भी चैनल को, जो मन तो चैनल होता है उसको ग्रो करवा देते हैं, आप लोग सब्सक्राइब करवा कर सब्सक्राइब बढ़ा करके, मेरे चैनल एजुकेशनल चैनल है इसलिए आपको ग्रो करने का अधिकार है दोस्तों, क्योंकि इस पर आपको बहुत सारी जानकारी मिल रही है, आपको लाइफ चेंजिंग का मौका दिया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, मेरे चैनल को प्रमोट जरूर कीजिए दोस्तों, प्लीज, थैंक यू दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा, स्टे होम स्टे सेफ।